जब भी आपकी जन्म कुंडली में कोई भी दशा प्रारंभ होती है, वह दशा अपना प्रभाव आपके जीवन पर डालती है। लेकिन जब यहाँ बात होती है आपकी जन्म कुंडली में राहु की दशा जब प्रारंभ होती है, तो उस स्थिति में आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, राहु की महादशा में अंतर दिशाओं का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए राहु की महादशा में जिससे आपको शुभ फल मिले, आपके जीवन में अनुकूलता बढ़े, प्रतिकूलता की कमी हो, और आप अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य करें जिससे राहु से आपको शुभ फल मिले और आप अपने जीवन में उसका बहुत ही अच्छा उपयोग करें। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि राहु का जो दशा का साल होता है वह 18 वर्ष का होता है। 18 वर्ष के अंतर्गत राहु व्यक्ति को ऐसा सक्षम होता है कि रंक से राजा और राजा से रंक कर देता है। अब इस पर निर्भर करता है कि राहु का जब समय चल रहा हो तो उसमें आपको कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए। इस वीडियो के अंत में आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिस उपाय को करके आप राहु की महादशा में राहु से अच्छा फल लेकर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और आपके जीवन में राहु से जो मिलने वाली समस्याएं हैं उसमें आप कमी ला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप सभी का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों जब राहु की महादशा चलती है तो आप यही समझिए कि राहु सबसे पहले रिकंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आपके पुराने घर को सबसे पहले वह बुलडोजर चला के लेबल करते हैं। जब पुराने घर को बुलडोजर चला के लेबल करते हैं तो अपने नई चीजों का वह न्यू डालते हैं, फाउंडेशन डालते हैं, चाहे उन्हें क्या करना है, व्यक्ति इसके जीवन में क्या करवाना है। तो जब भी राहु की दशा प्रारंभ होती है तो सबसे पहले आपके निवास स्थान में वह परिवर्तन कराते हैं। आपका निवास स्थान सबसे पहले बदलने का प्रयास करते हैं। निवास स्थान अगर नहीं परिवर्तन होता है तो व्यक्ति का जीवन पूरा पलट देते हैं, क्योंकि पीछे से जितने भी कार्य हुए रहते हैं, पीछे की जो दशाएं चली रहती हैं, उसमें सबसे पहले उसको लेबल करते हैं, समाप्त करते हैं और पुराने घर को गिरा करके वहां पर वह एक न्यू का निर्माण करते हैं और अपनी एक स्थिति, अपनी उपस्थिति मौजूद करते हैं। जब राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चलती है तो उस स्थिति में यदि गुरु की स्थिति ठीक होती है तो उस स्थिति में व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर बढ़ता है और उच्च पदों पर भी जाता है, सरकारी नौकरी मिलने के चांस भी होता है, विदेश यात्रा भी कर सकता है। लेकिन वहीं पे जब गुरु की स्थिति ठीक नहीं होती है, राहु की महादशा में, गुरु की अंतरदशा में गुरु की स्थिति ठीक नहीं होती है, ऐसी स्थिति में देखा जाता है व्यक्ति बीमार पड़ता है, पेट की खराबी देखने को मिलता है, व्यक्ति आध्यात्मिक की ओर से मुख अपना मोड़ लेता है। कभी वह पूजा पाठ में जो उसका मन लगा रहता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में जो रहता है, वहां से वह हटना प्रारंभ कर देता है। लेकिन जब गुरु की स्थिति मजबूत होती है तो बहुत अच्छा खासा राहु फल देते हैं। जब बात होती है दोस्तों राहु में शनि की अंतर्दशा, राहु में जब शनि की अंतर्दशा चलती है तो सबसे ज्यादा कष्टकारक समय यही होता है जब राहु में शनि की अंतर्दशा चलती है। राहु की में जब शनि की अंतर्दशा चलती है तो उस स्थिति में देखा गया है कि व्यक्ति सबसे ज्यादा पीड़ित होता है, सबसे ज्यादा उसका वह बुरा समय चलता है, सबसे ज्यादा उसके जीवन का प्रतिकूल समय होता है, जहां पे वह अपने नौकरी को लेकर परेशान रहता है, अपने जॉब को लेकर परेशान रहता है, अपने व्यापार को लेकर परेशान रहता है, अपने रिश्तों को लेकर परेशान रहता है। बहुत ज्यादा पीड़ित व्यक्ति राहु में शनि की अंतर्दशा में चलता है। उसके साथ में देखा जाता है कि जब राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चलती है तो आप समझिए दिन में तारे दिखना प्रारंभ हो जाता है। ऐसा व्यक्ति दिन में तारे देखना प्रारंभ कर देता है और अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं को लेकर वह ग्रसित रहता है। यदि उस समय शनि किसी अलग स्थिति में, यानी कि बुरे स्थिति में है, या शनि की 7.5 चल रही, शनि की ढैया चल रही, शनि अशुभ स्थिति में है, ऐसी स्थिति में देखा गया है कि व्यक्ति के कुटुंब से कोई ऐसे अशुभ समाचार मिलते हैं जिससे व्यक्ति बहुत ज्यादा पीड़ित होता है, बहुत ज्यादा दुखी होता है और वह जीवन भर के लिए उस दुख से व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है। तो राहु में जब शनि की अंतर्दशा चलती है वह सबसे ज्यादा दुख प्रदान करने वाली होती है और कहीं ना कहीं परिवार में, कुटुंबजनों में ऐसे अशुभ समाचार व्यक्ति देखने को मिलते हैं। जब राहु में बुध की दशा चलती है तो उस स्थिति में देखा जाता है कि सबसे अच्छा परिणाम, सबसे अच्छा फल राहु में जब बुध की अंतर्दशा चलती है तब व्यक्ति को मिलता है। उस स्थिति में व्यक्ति वाणी का प्रयोग करता है, बहुत ही अच्छा वक्ता बन सकता है, बहुत ही अच्छी स्थितियों को लेकर व्यक्ति अपने जीवन में कार्य करता है, मीडिया क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करता है, दूरसंचार क्षेत्र में अच्छा कार्य करता है, शेयर मार्केट में अगर वह इन्वेस्टमेंट करता है वहां से भी उसको अच्छा खासा लाभ मिलता है। बुध की अंतर्दशा में राहु सबसे अच्छा फल देते हैं और व्यक्ति के जीवन को संवारने का काम करते हैं। राहु में जब बुध की अंतर्दशा आती है तो व्यक्ति अपने आप को एक नई ऊर्जा से परिपूर्ण पाता है और नए क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास करता है और उसको वहां पर सफलता मिलने का प्रारंभ हो जाता है। राहु में बुध की जब अंतर्दशा चलती है तो उस स्थिति में देखा जाता है
व्यक्ति हो, नौकरी हो गया, व्यापार हो गया, धन हो गया, राहु की स्थिति अच्छी अच्छी होती है तो उसमें व्यक्ति को सरकारी नौकरी, वाहन, सब कुछ राहु राहु में जब बुध के अंतर से चलती है तो व्यक्ति को सब कुछ मिलता है, उसमें ऐसा कुछ बाकी नहीं रह जाता जो व्यक्ति को नहीं मिलने वाला होता है। व्यक्ति उसी में अपना मकान भी बनाता है, उसमें वाहन भी खरीदता है, उसमें सारे सुखों का साधन संचार संचित करता है। यदि राहु में जब केतु की अंतर्दशा चलती है तो उस स्थिति में देखा जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा उदासीन होना प्रारंभ हो जाता है। राहु में जब केतु की अंतर्दशा चलती है व्यक्ति बहुत ज्यादा उदासीन होता है, बहुत ही ज्यादा पीड़ित होता है, वह अपने जीवन में बहुत सारे दुखों को लेकर ढोना प्रारंभ कर देता है। कहीं ना कहीं इस स्थिति में देखा जाता है व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र से भी अपना मुंह मोड़ना प्रारंभ कर देता है और उसको बहुत ज्यादा पीड़ा देती है राहु में केतु की अंतर्दशा। जब राहु में शुक्र की अंतर्दशा चलती है तो दोस्तों उस स्थिति में देखा जाता है शुक्र कितना भी खराब हो आपकी जन्म कुंडली में, लेकिन राहु में जब शुक्र की अंतर्दशा चलती है तो वह समय व्यक्ति के लिए काफी अनुकूल होता है। व्यक्ति अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, संपन्नता की ओर आगे बढ़ता है, परिवार, समाज, संतान को लेकर अपने जीवन में बहुत सारे आगे कार्य करता है, अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे कार्य करता है जब राहु में शुक्र की अंतर्दशा चलती है। राहु में जब शुक्र की दशा चलती है तो उस स्थिति में व्यक्ति गाड़ी, घोड़ा, वाहन सभी सुखों का उपभोग करता है, क्योंकि राहु की जो दशा होती है मध्य की दशा होती है, व्यक्ति इसमें बहुत सारे अच्छे कार्य करता है। इसके साथ में जब राहु में सूर्य की दशा चलती है तो उस समय व्यक्ति का जो समय होता है बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहता है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य अच्छे होते हैं तो इस स्थिति में व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब भी प्राप्त करता है, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ठीक नहीं होते हैं तो जैसा कि हम आपको विदित है कि राहु और सूर्य जब मिलते हैं तो ग्रहण योग का निर्माण हो जाता है, तो कहीं कहीं वह जो समय होता है राहु में सूर्य की अंतर्दशा व्यक्ति जीवन में बहुत सारे ऐसे ग्रहण, बहुत सारे ऐसे पीड़ा देने का कार्य करती है। हाँ, लेकिन अगर सूर्य की स्थिति अच्छी है तो उस स्थिति में घर में मांगलिक कार्य होने के भी योग बनते हैं और व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकता है और अच्छे 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 दिशा की ओर वह अग्रसर हो सकता है। जब राहु में चंद्रमा की अंतर्दशा आती है तो उस स्थिति में व्यक्ति का जो मानसिक स्थिति होता है बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, बहुत वह मन से पीड़ित रहता है, माता के प्रति उसको पीड़ा मिलती है और घर परिवार में अक्सर उसको कहीं ना कहीं ऐसे कलंकित होना पड़ जाता है कि राहु में चंद्र की दिशा चलती है तो व्यक्ति कलंकित भी हो जाता है, समाज में वह कलंकित हो जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रिश्ते, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चीजें सामने उभर कर आती है जहां पे व्यक्ति को कलंकित होना पड़ता है और व्यक्ति का मन बहुत ज्यादा अशांत रहता है राहु में जब चंद्र की दशा चलती है। तो उसके साथ में दोस्तों जब राहु में मंगल की अंतर्दशा आती है तो उस स्थिति में देखा जाता है कि यह जो समय होता है राहु के जाने का समय होता है, जैसा कि हम आपको विदित है राहु की चाल जो होती है वक्री चाल होती है, तो राहु कहने का तात्पर्य दोस्तों सर पैर से प्रारंभ करता है और सर तक के और उसका गमन होता है, पैर से शुरू करेगा हो आपके सर तक आएगा, तो यह समय उसके क्या होता है सर तक के आने के लिए होता है, आपके इधर का राहु का समय होता है। तो उस स्थिति में क्या करता है राहु आपको आपके जीवन में एक सुगम, सरल, संपन्न एक मार्ग प्रशस्त करता है, क्योंकि इस मंगल की दशा में आधा जो समय रहेगा वह मंगल का, राहु और मंगल का रहेगा और आधा जो समय रहेगा देवगुरु बृहस्पति के आने का तैयारी रहेगा, तो देवगुरु बृहस्पति अपना एक प्लेटफॉर्म वहां पे तैयार करना प्रारंभ कर देते हैं। अब जब देवगुरु बृहस्पति का जब प्लेटफॉर्म तैयार होता है तो उस स्थिति में आपको जो देवगुरु बृहस्पति की दशा में अच्छा फल मिलना प्रारंभ हो जाता है तो आपके जीवन में अनुकूलता लेकर आता है। तो इस स्थिति में जब राहु में मंगल की दशा चलती है तो कहीं ना कहीं अंगारक योग बनने का निर्माण भी होता है, जैसा कि जब कुंडली में राहु मंगल एक साथ होते हैं तो कुंडली में अंगारक योग का निर्माण होता है। तो उस स्थिति में देखा जाता है कि आप थोड़ा क्रोधी स्वभाव के होते हैं, कहीं ना कहीं आपके जो वाणी होती है बदल जाती है, बहुत सारे ऐसे कृत्य आप करना प्रारंभ करते हैं जो कहीं ना कहीं आप अपने आप से भी उसको ठुकराना चाहते हैं। राहु में जब मंगल की अंतर्दशा चलती हो इस स्थिति में व्यक्ति को गाड़ी बहुत हिसाब से चलाना चाहिए, गाड़ी बहुत ही जितना हिसाब से गाड़ी चलाएंगे उतना ही आपके जीवन में हितकारक होगा। दोस्तों यह रही राहु की दशा में कुछ अंतर ग्रहों की अंतर दशाएं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कुछ उपाय की बात करते हैं और राहु की कुछ उपलब्धियां बताते हैं। दोस्तों जैसा कि हम आपको विदित हैं राहु बहुत बड़ा मायावी ग्रह है, तो राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, जिसकी राशि में बैठा हो उसकी स्थिति काफी अच्छी है, तो राहु जाते जाते बहुत कुछ आपको देकर जाता है, इंजीनियर बना देगा, डॉक्टर बना देगा, आपको एक ऐसा आध्यात्मिक गुरु देकर जाएगा जिससे आप जीवन भर अपने जीवन को संतुलन बना के रखेंगे, जीवन बहुत सारा लाभ उठा सकेंगे। तो राहु जब आपकी जन्म कुंडली में स्थिति ठीक नहीं होती उस स्थिति में आपको यही करना चाहिए, राहु की दशा के अंतर्गत भी आपको यह करना चाहिए कि आपको भगवान शिव को दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, पंचामृत से
भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और भगवान शिव के सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, माँ सरस्वती को नीला पुष्प अर्पित करना चाहिए। इसके साथ में ही यदि आप कर सकते हैं तो भगवान विष्णु के सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो जो राहु की दशा होती है, वैसे भी कहा जाता है कि राहु और जो केतु की और शनि की महादशा चले तो उसमें आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में सुख संपत्ति समृद्धि को अवसर मिलता है और आप अपने जीवन में दिन दोना रात चौगुना उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी दोस्तों, आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी। अच्छी प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा।